हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। ये सबको बहुत पसंद आता है और आसानी से बन जाता है। इसमें मैंने एक्यूरेट मेज़रमेंट्स लिए हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी आपका हलवा बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सूजी 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, घी 90 ग्राम, पानी 400 ग्राम, ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिए हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और कार्डमम पाउडर। तो चलिए अब हम अपना हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गैस को ऑन करेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। इसमें इतना घी डाला है और इतना घी हमने अभी बचा लिया, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स घी डाल दिया है कढ़ाई में, और 40 ग्राम अभी मेरी कटोरी में रखा हुआ है। इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी, और जब घी थोड़ा गर्म हो जाएगा, जब ये घी पिघल जाएगा तब मैं इसमें सूजी डाल दूँगी और थोड़ी देर से भून लूँगी। हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसमें सूजी डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारी सूजी ने घी छोड़ दिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने लगातार चलाते हुए इसे हल्का ब्राउन भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे चला लेंगे। अब हम अपनी गैस को तेज़ कर देंगे। अब हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। हम अभी सूजी फूल रही है और हमारा हलवा गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। हमने यहाँ पे सूजी के हलवे को बनाने में 75 to 80 ग्राम घी का यूज़ किया है। अब मेरा हलवा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें हरी इलायची पाउडर का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया। अब हमारा हलवा तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारा गर्मा गर्म हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक आइकन को प्रेस करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें।